बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 8 जो कि टॉपिक हमारा है क्वेश्चन आंसर्स, उसके मुतालिक जो अहम तरीन बात वो है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फार्मूला टेक्निक, जिसमें हम सवाल के टेंस को देखते हैं, सवाल के दिए हुए वर्ड्स को देखते हैं और ये तरतीब का ख्याल रखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को किस तरह जो है वो सवाल का जवाब दिया जाए। सो लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, व्हाई? जी, आपको ये मैं बताता चलूं कि यू का जो जवाब होता है वो वी होता है, या वी हो सकता है या आई हो सकता है। सो वी शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज दिस मे डैमेज आर डिसलॉज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। बार बार ये देखने से इसलिए मना किया जाता है कि स्टॉपिंग के ब्लीडिंग स्टॉप हुई है या नहीं, वो इस वजह से क्योंकि क्लॉट जहाँ से खून निकल रहा होता है वो डैमेज हो सकता है या वो अपनी जगह बदल सकता है, लिहाजा ऐसा करने से मना किया जाता है। तो दोबारा मैं बताता चलूँ के यू को वी में कन्वर्ट करेंगे और बाकी देखें हम वही जवाब लेकर चलेंगे। वी शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, यहाँ तक हमने वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और जिस सवाल में वाई से स्टार्ट किया जाए, वाई उस सवाल का जवाब में बिकॉज लाजमी होता है, बिकॉज क्योंकि दिस मे डैमेज, ये तबाह कर सकता है और डिसलॉज या उसकी जगह को हिला सकता है, द क्लॉट उस क्लॉट को उस जख्म को, दैट इज फॉर्मिंग जो बन रहा होता है एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और इससे दोबारा खून बहना शुरू हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वुंड। देख लें सवाल में दोबारा वाई आया है, लेकिन हम अपनी SVO फार्मूला टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए पहले क्या करेंगे, इट इज नेसेसरी, इट को हम स्टार्ट में ले आएंगे और इज को उसके बाद। इट जो है सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। इट इज नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वुंड, देख ले यहां तक के अल्फाज मैंने जवाब में इस्तेमाल किए हैं, यानी इट इज नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वुंड बिकॉज सोप, बिकॉज सोप कैन इरिटेट द वुंड, क्योंकि जो सोप है, साबुन है, वो जख्म को खराब कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वुंड। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वुंड। तो इसका जवाब होगा एन ऑइंटमेंट, ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, एन ऑइंटमेंट क्रीम, ये जैसे ये आगे ये बढ़ता जा रहा है इसी को हमने जवाब का हिस्सा बनाएंगे। एन ऑइंटमेंट क्रीम और एंटीबायोटिक इज गुड, ये इज यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है इज, जो कि वर्ब है, इज वर्ब है, इज गुड इन हीलिंग द वुंड बिकॉज दे कैन हेल्प आवर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। हमारे जिस्म के अंदर जो हीलिंग का वर्क जो प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने रखा है वो तेज़ हो जाता है अगर हम एंटीबायोटिक या ऑइंटमेंट जो है वो क्रीम इस्तेमाल करते हैं। सो आपने देखा कि किस तरह हमने सवालात के मैटर को ही जवाबात में कन्वर्ट किया, सिंपली SVO फार्मूला टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको बहुत इजीली इस सवालात के को जवाबात दे सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अफसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।